हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, कोलकाता और कोकराझार के अलावा 133वीं डूरंड कप का आयोजन किस शहर में आयोजित किया जाएगा। इसका सही उत्तर आएगा जमशेदपुर और शिलोंग में। कोलकाता और कोकराझार के साथ दो नए शहर जमशेदपुर और शिलोंग डूरंड कप के 133वें संस्करण की मेजबानी करेंगे। 133वें संस्करण में 24 टीमें भाग लेंगी, जिन्हें 6 समूहों में बांटा जाएगा और इसमें कुल 43 मैच खेले जाएंगे। डूरंड कप 2024 27 जुलाई से शुरू होगा और 31 अगस्त को फाइनल होगा और ये कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती फ्रीडांगन साल्ट लेक स्टेडियम में होगा। बात करते हैं डूरंड कप की। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप का आयोजन हर साल करवाया जाता है। यह टूर्नामेंट एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। पहली बार 1888 में अनाडेल शिमला में आयोजित किया गया था। इस कप का आयोजन डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी के द्वारा किया जाता है। इस कप का नाम सर मोंटिमर डूरंड के नाम पर रखा गया था। डूरंड कप 2023 का खिताब मोहन बागान की टीम ने जीता था और इस टीम ने 2023 में डूरंड कप का 17वें नंबर का खिताब जीता था। अब हम बात करते हैं फुटबॉल से संबंधित करंट अफेयर्स की। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है और यह दिवस हर साल मनाया जाता है। सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। पेरिस सेंट जर्मेन ने फुटबॉल क्लब का रिकॉर्ड तोड़ दिया है क्योंकि 12वीं बार फ्रेंच फुटबॉल लीग फर्स्ट का खिताब जीता है। तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन हैदराबाद में 2026 फीफा विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। ब्राजील फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश बना है। क्वेश्चन 2, उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ की जांच करने के लिए बनाए गए 3 सदस्य न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका सही उत्तर आएगा ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव। 3 जुलाई 2024 को एक सत्संग के दौरान हाथरस में भगदड़ की जाँच के लिए 3 सदस्य न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर की। 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन विस्तार में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में SJVN ने 50 मेगावाट के गुजराई सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व गोंडा में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक उत्पादों के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक बायो प्लास्टिक पार्क की स्थापना लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकर्णनाथ तहसील के कुंभी गांव में किया जाएगा। क्वेश्चन 3, अभय सिंह ने एशियाई डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। इसका सही उत्तर आएगा 2। एशियाई डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप 2024 का आयोजन मलेशिया के जोहोर में किया गया है। भारतीय स्क्वांश खिलाड़ी अभय सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया और एशियाई डबल्स स्क्वांश चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। प्यूमा इंडिया ने रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना एम्बेसडर बनाया है। विश्वनाथ आनंद ने 10वीं बार लियोन मास्टर्स का खिताब जीता है। नीरज चोपड़ा ने पाओ नुर्मी गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन 4, NCPCR ने किस राज्य में अब्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है। इसका सही उत्तर आएगा झारखंड राज्य ने। NCPCR राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने झारखंड के अब्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है। 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों से काम करवाया जाता है, उसे बाल श्रम कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अब्रक की। यह एक चमकदार खनिज है। इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और अन्य उद्योगों में किया जाता है। विश्व में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। दुनिया में अब्रक का 8वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत और दुनिया में अब्रक का सबसे बड़ा निर्यातक देश है भारत और दूसरे नंबर पर है चीन। भारत में सबसे बड़ा अब्रक उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश और उसके बाद आता है राजस्थान। अब हम बात करते हैं NCPCR की, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। NCPCR 2007 में अस्तित्व में आया था। यह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। NCPCR के द्वारा 18 वर्ष तक के बच्चों को बच्चा माना जाता है। इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से 2 सदस्य महिलाएं होती हैं। वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो। क्वेश्चन 5,
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने रक्षा अलंकरण समारोह में कितने कीर्ति चक्र दिए हैं? इसका सही उत्तर आएगा 10 कीर्ति चक्र। राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने देश के वीर सपूतों को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। इसमें 10 कीर्ति चक्र और 26 शौर्य चक्र शामिल हैं। भारत में वीरता पुरस्कार की शुरुआत 26 जनवरी 1950 को की गई थी और भारत में दो तरह के वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। एक दिया जाता है युद्धकालीन वीरता पुरस्कार और दूसरा है शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। हम बात कर रहे हैं युद्धकालीन वीरता पुरस्कार की। परमवीर चक्र, यह सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। यह पुरस्कार युद्ध के दौरान अपनी बहादुरी, साहस और वीरता को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। महावीर चक्र दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। वीर चक्र, यह देश के तीसरे नंबर का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।